किचन कहाँ होना चाहिए? किचन का दरवाज़ा किस दिशा में होना चाहिए? किचन में चूल्हा किस दिशा में रखें? किचन घर का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दर्शकों, आज हम किचन से जुड़ी हुई सब महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दर्शकों, किचन एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किचन के दरवाजे को सही दिशा में होना भी अत्यंत आवश्यक है, और कौन सी दिशा में हो ये सबसे ज़रूरी बात है। रसोई घर को आप हमेशा अग्निकोण में बनाएं। अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व की दिशा होती है, इसमें अग्नि देवता का वास होता है। रसोई हमेशा दक्षिण दिशा में ही होनी चाहिए। अब रसोई सवाल उठता है कि रसोई का दरवाज़ा किस दिशा में होना चाहिए? रसोई का दरवाज़ा उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए, यह सबसे बढ़िया दिशा मानी गई है। उत्तर पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा अंदर आती है। यदि आप रसोई का दरवाज़ा इन दिशाओं में रखोगे तो खाने में भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। इस दिशा में किचन का दरवाज़ा रखने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। रसोई का दरवाज़ा हमेशा लकड़ी का बनवाना चाहिए, यह सबसे उत्तम होता है, क्योंकि लकड़ी अग्नि को बढ़ावा देती है, यानी कि अग्नि तत्व को बढ़ावा देती है। इसलिए हमें हमेशा रसोई में कोशिश करनी चाहिए कि लकड़ी का दरवाज़ा ही लगाएँ, भूल कर भी लोहे का दरवाज़ा ना लगाएँ। अब ये सवाल उठता है कि रसोई में चूल्हा किस तरफ रखें? आपके पास जो भी चूल्हा हो, चाहे वो गैस का चूल्हा हो या इंडक्शन हो, जो भी आपके पास है, उन सभी को आप पूर्व दिशा की तरफ रखें, यानी आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जब आप भोजन पका रहे हों तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हों। भोजन पकाने वाले और खाने वाले दोनों का ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यानी आप किसी भी तरीके से इस तरह इंतजाम करें कि गैस के चूल्हे की तरफ आपका मुंह हो, यानी आपका मुंह पूर्व की ओर रहे। रसोई में फ्रिज किधर रखें? यदि फ्रिज को आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, और ये राहु से संबंधित माना गया है। राहु से संबंधित वस्तुओं को हमेशा पश्चिम दिशा में ही बताया गया है। रसोई का दरवाज़ा जब आप चयन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ रसोई का दरवाज़ा लकड़ी का ही हो, ना तो प्लास्टिक का हो, फाइबर का हो, ना ही लोहे का हो। कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके सही चीज़ों को सही दिशा में रखें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। धन्यवाद।